हेलो जी, राम राम जी। आप सबका स्वागत है सावित्री जी की रसोई में। आप सबको मेरी तरफ से नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माँ का प्रसाद बनाने जा रही हूँ मैं। सबसे पहले आलू और चने की सब्जी। आलू मैंने पहले से ही उबाल लिए हैं, चने, टमाटर और हरी मिर्च मैंने एक जगह कट कर लिया है और धनिया। चलिए अब हम सब्जी छोंकते हैं। देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब सबसे पहले इसमें मैंने जीरा डाल दिया है। टमाटर और हरी मिर्च एक चम्मच, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो, जितनी सब्जी ज़्यादा है कम है उसके हिसाब से। एक चम्मच हल्दी, आधी चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा हींग। देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। अब मैं इसमें आलू और चने ऐड करूंगी और ये सब्जी हमारी एकदम भंडारे वाली सब्जी होगी। अब इसको हम सब्जी को अच्छे से उबलने देंगे। चलिए तब तक हम हलवा बना लेते हैं। देखिए मैं हलवा बना रही हूँ और हलवा बनाने के लिए जो भंडारे वाला हलवा होता है ना, मैं वो बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने एक चम्मच घी लिया है और मैं इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड कर दिया है। और इसमें मैंने छोले ऐड कर दिए। पहले मैंने चनों को तड़का लगा लिया है और थोड़ा सा मैंने इनमें नमक ऐड किया है। इससे हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है, बिल्कुल एकदम भंडारे वाला हलवा। और देखिए बिल्कुल जरा सी लाल मिर्च, इससे हलवे में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए मैंने कढ़ाई रख दी है और अब मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ। ये देखिए घी गर्म हो हमारा हो चुका है और अब मैं इसमें सूजी और बेसन ऐड कर दिया है। इसको हम धीमी धीमी आंच पर भूनेंगे जिससे हमारा हलवा बहुत ही के हमारी सूजी और बेसन कितने अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। देखिए अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। गैस मंदी कर ली है। चीनी, एक कटोरी चीनी ली है मैंने। थोड़ा इसमें मीठा हम तेज ही रखेंगे क्योंकि ये थोड़ा नमक वाला हलवा है तो बहुत टेस्टी लगता है। इसको हम अभी चलाते रहेंगे। जो ये हमारा पानी हो रहा है बिल्कुल एकदम पानी को सूजी सोख लेगी और हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा। और जो ये मैंने देसी घी और चने का तड़का लगाया था ये भी हम इसी में डाल देंगे। ये देखिए अब हमारा हलवा 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया है और ये अच्छे से पक भी गया है। देखिए
के हमारी सब्जी भी बन गई है, खूब अच्छे से ये पक गई है। और अभी इसमें मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है और थोड़ा सा किचन की और ये थोड़ी सी कसूरी मेथी। ये हो गई हमारी भंडारे वाली सब्जी। देखिए मैंने देसी घी ही चढ़ाया है और अब मैं इसमें पूरी फ्राई करूंगी। माँ की कढ़ाई है तो वो मैंने देसी घी में ही करी है। ये देखिए हमारी पूरी कितनी अच्छी से फूल गई है।